जी तो कैसे हैं आप लोग? अब एग्जामिनेशंस की बात कर लें, आगरा यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशंस हैं सेमेस्टर और मेन एग्जामिनेशंस कब होने वाले हैं, तो इसको लेकर एक ऑफिशियल अपडेट भी आई है। मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा ही कि कोई भी एग्जामिनेशन आपके हों, सेमेस्टर हों या मेन हों, तो उनसे पहले एक मीटिंग होती है, उसमें सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है और कब आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट कर जा सकती हैं, क्या सही समय हो सकता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहला जो अपडेट है यहाँ पर, ये है अपडेट जिसमें कि आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि आपके कॉलेज का जो फीस है वो सबमिट नहीं किया जाता है ना टाइम पर, तो आपके रिजल्ट्स में दिक्कत आ जाती है कि आपके रिजल्ट नहीं, रिजल्ट खुलते नहीं है, कभी कभी एग्जामिनेशन को भी लेकर दिक्कत आ जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 दिन के अंदर सभी जो शुल्क हैं वो जमा करने के निर्देश दे दिए हैं। फीस जमा होने पर संबंधित कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में शामिल कराया जाएगा, अगर फीस जमा नहीं होगी तो जो है आपको परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको, आप लोग देख पा रहे होंगे, 74 कॉलेजों की लगभग 1 करोड़ रुपए परीक्षा फीस बकाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितने सारे कॉलेज हैं। ये कुछ कॉलेजों के शायद मेरे ख्याल से और कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह बता दिए गए हैं, नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पर, तो आप अपने कॉलेज में बात करके पता कर सकते हैं कि आपका जो फीस है, आपके कॉलेज का फीस यूनिवर्सिटी में जो जाता है वो जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर जमा हो गया होगा तो आपके जो एग्जामिनेशन है वो तय समय पर हो जाएंगे और रिजल्ट भी आपका सही से आपको दिख जाएगा तय समय पर, जब सबका आ जाएगा तो आपका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है, मेन मुद्दा बन जाता है आपका, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट्स आई हैं आज के अखबार में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रैल में हो पाएंगी आपकी परीक्षाएं। परीक्षा समिति की जो बैठक है आज संपन्न हो गई है और कल मॉर्निंग में आपको अपडेट मिल जाएंगे काफ़ी सारे, इसमें कि आपको एग्जाम का पैटर्न या फिर जो परीक्षाएं हैं वो कब हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अभी परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा सके, 29 मार्च को जो है दीक्षांत समारोह है और परीक्षा समिति की बैठक आज हो गई है। इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बीए बीएससी और बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर, स्नातक द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षाएं अब अप्रैल में ही हो पाएंगी। ये महीना तो निकल जाएगा आपका लेकिन अप्रैल में हो सकती है, ठीक है। तो ये अपडेट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक परीक्षाओं का जो है कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। 29 मार्च को दीक्षांत समारोह है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ढिलाई की वजह से शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है, हमेशा होता है ये। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोग किस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं आगरा विश्वविद्यालय के अंदर। प्रथम वर्ष के बीएबीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम जो है उसको लागू कर दिया गया है, समय से व्यावसायिक पाठ्यक्रम तय नहीं किए गए थे। अब स्थिति यह है कि मुख्य परीक्षा के साथ पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं होने जा रही हैं। सेमेस्टर और मुख्य परीक्षाएं के लिए जो है फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है, मैंने आपको पहले बताया था कि 15 मार्च निर्धारित की गई है, तो 15 मार्च तक आप लोग अपने सारे काम कर सकते हैं और परीक्षाओं के लिए केंद्र अभी तक निर्धारित नहीं किए गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जब केंद्र का निर्धारण किया जा रहा है तो उसमें काफ़ी सारे इनकी तरफ से पॉइंट दिए गए हैं कि आप लोग जो कॉलेज हैं वो सारे मानक पूरे करेंगे तो उसके बाद ही उनको केंद्र बनाया जाएगा, और इस बार बहुत कड़ी निगरानी रहने वाली है, तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से रखें और नकल वकल अगर करते हुए पकड़े गए तो उसका कार्रवाई भी की जाएगी इस बार, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है फिर नकल पकड़ी जाती है, फिर आपका सेंटर बदल दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती है यूनिवर्सिटी के लिए। तो पहले से ही कड़े इंतजाम किए जाएंगे, उसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, इतना तो काम कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपडेट्स रेगुलर देता रहता हूँ। आज मॉर्निंग से कोई अपडेट नहीं आई थी, थोड़ा समय बिजी था, और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भाई कि हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सबके यूट्यूब चैनल पर जो है 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, और ये सारा जो कुछ भी हो पाया है आप सभी के प्यार, आप सभी के सपोर्ट की वजह से हो पाया है, तो तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। तो आप लोग ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए, और 10,000 की जो फैमिली है जल्दी से कंप्लीट करवाओ भाई, जल्दी से कंप्लीट करवाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लीजिए, कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं बहुत कम वीडियोज़ वैसे भी अपलोड करता हूँ, दिन का 2 वीडियोज़ आपको मिल जाता है, जो कि खास अपडेट्स होती हैं आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग अपडेट रह सकते हैं हमारे साथ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब पर आप लोग अच्छे से प्यार दे रहे हैं और अपना देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।